क्लास 7th के बच्चे ध्यान देंगे। प्रथम पाठ, पहला पाठ संस्कृत, तो ये शब्दार्थ है आप सबका, शब्दार्थ था तो इसको बुक से देख के लिख लेंगे जो भी इसमें दिया गया है। इसके बाद आता है आपका लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न उत्तर है, कह कम च गिरिम लंग है ते, ये पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम आपको दे रहे हैं लिख करके, आप लोग देख के लिख लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंगुम लंग है ते गिरिम। दूसरा है सर्वलोका नाम रक्षक कह, तो सर्वलोका नाम रक्षक परमेश्वर। तीसरा है ईशम किम किम कथयंत, ईशः रामः रहीमः च इत्यादीन अनेकान अनेकान नामान कथयंति। इसके बाद है वयम सादरम कम प्रणमामः, पितृरूपेण ईशम धराजननी च वयम सादरम प्रणमामः। इसके बाद है कस्य नामानि अनंतानि, ईशस्य नामानि अनंतानि शांति। ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। इसके बाद नीचे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये आपके बुक में है, किताब में है, देख करके और सही सही लिखिए। यत् कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम रक्षक सर्वलोकानां सुख शांति प्रदायक रामम यम कथयंत अनेका रहीम च अपराह सादरम प्रणमामस्तौ वयम सर्वे सहोदराः। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है बुक में, इसको सही कर लेंगे। सदोहरा लिखा है तो ये गलत हो गया है, इसको आप लोग सही कर लेंगे, सहोदरा हो जाएगा। इसके बाद है यस्य नामान अनंतानि मंदिराणि बहूनि च धर्ममार्गस्य यम प्राप्तुम तम सदा प्रभुं नमामि। तो इसको आप लोग अपने ढंग से इसको देख करके बुक से लिख लेंगे। इसके बाद आपका आता है ये निम्नलिखित शब्दों का मिलान कीजिए, तो इसमें देखिए क है मूकम, तो इसमें कर देंगे वाचालम, रक्षक भक्ता जना सर्वलोकानाम जननी, तो जननी कौन है, धरा नामान अनंतान। इसके बाद ग्रामर स्किल्स आएगा, व्याकरण कौशल, तो इसमें है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा। तो व्याकरण में इसको देखिए परमानंद, तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे परम धन आनंद। इसके बाद सर्वलोकानाम सर्व धन लोकानाम। इसके बाद चापराह च धन अपराह। इसके बाद एकैव एक धन एव। इसके बाद सहोदराह सहधन उदराह। तो इस तरह से संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद आएगा अनुवाद कौशल, ये है नीचे लिखे श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक ही सह पिता अस्माकम एक जननी धरा सादरम प्रणमामस्तौ वयम सर्वे सहोदराः। तो इसको आप लोगों को पढ़ाया गया है, इसके पहले पाठ में आपको लेसन पढ़ाते समय बताया गया है, तो अपने मन से इसका अर्थ आप लोग लिखेंगे, या आपका अभ्यास एक्सरसाइज जो है पूरा हुआ, इसको आप लोग फेयर कापी में लिख लेंगे।